नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। फरवरी में टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स, टॉप 20 बेस्ट सेलिंग हैचबैक और टॉप 5 बेस्ट कॉम्पैक्ट सेडान्स, ये तीन वीडियो मैं हाल ही में बना चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी का लिंक मैं ऊपर आई बटन में आप सभी के लिए दे दूंगा, वहाँ से उसे आप देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फरवरी के महीने में सबसे कम बिकने वाली गाड़ियों के बारे में। इन 10 गाड़ियों में से कुछ गाड़ियां अपने सेगमेंट की काफ़ी बेहतर गाड़ियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी सेल्स काफ़ी कम हुई है। इनफैक्ट इन 10 गाड़ियों का सेल्स फिगर काफ़ी कम है। सो लेट्स बिगिन एंड टॉक अबाउट द 10th लीस्ट सेलिंग कार इन इंडिया, जो कि है फोक्स वैगन की पोलो। फरवरी के महीने में पूरे भारत में इसकी केवल 144 यूनिट्स ही बिकी है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 582,000 रुपये से शुरू होकर 990,000 रुपये तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में फरवरी के महीने में पूरे भारत में 9वें नंबर पर आई है फोक्स वैगन की वेंटो। फरवरी के महीने में पूरे भारत में इसकी केवल 143 यूनिट्स ही बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 876,500 रुपीज़ से शुरू होकर 1,450,000 रुपये तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में अगली गाड़ी है 8वें नंबर पर महिंद्रा की KUV100। फरवरी के महीने में देश भर में इसकी केवल 108 यूनिट बिकी है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,32,000 रुपये से शुरू होकर 7,95,000 रुपये तक मिल जाती है। हमारे प्यारे भारत में 7वें नंबर पर आई है डैटसन की गो। फरवरी के महीने में पूरी कंट्री में इसकी केवल 98 यूनिट्स बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 3,74,990 रुपये से शुरू होकर 6,18,015 रुपये तक मिल जाएगी। छठे नंबर पर आई है फिर से डैटसन की गो प्लस। फरवरी के महीने में पूरे भारत में इसकी केवल 60 यूनिट्स बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 4,12,292 रुपये से शुरू होकर 6,80,153 रुपये तक मिल जाती है। इस लिस्ट में फरवरी के महीने में लीज सेलिंग कार की लिस्ट में पूरे भारत में 5वें नंबर पर आई है ह्युंडई की एलेंट्रा। फरवरी के महीने में पूरे देश में इसकी केवल 46 यूनिट्स ही बिकी हैं। फेसलिफ्ट के बावजूद भी ये गाड़ी कंज्यूमर्स को अपनी तरफ खींचने में पूरी तरह से नाकामयाब रही है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 15,89,000 रुपये से शुरू होकर 20,39,000 रुपये तक मिल जाती है। लीज सेलिंग कार की लिस्ट में चौथे नंबर पर आने वाली गाड़ी आपको गहरा सदमा दे सकती है। ये गाड़ी है महिंद्रा की मोस्ट एंड प्रीमियम लग्जूरियस SUV अल्टोरस G4। एक केपेबल SUV होने के बावजूद भी फरवरी के महीने में इसकी केवल 38 यूनिट्स ही बिकी हैं। मेरे लिए ये एक पहेली से कम नहीं है कि कंज्यूमर्स इस गाड़ी को खरीदते क्यों नहीं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 27,70,000 रुपये से शुरू होकर 30,70,000 रुपये तक मिल जाती है। चौथे नंबर के पायदान पर एक और गाड़ी आई है, वो है निसान की माइक्रा। फरवरी के महीने में पूरे भारत में इसकी भी केवल 38 यूनिट्स बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 6,62,880 रुपये से शुरू होकर 8,12,964 रुपये तक मिल जाती है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आई है फोक्स वैगन की MEO। फरवरी के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 36 यूनिट्स बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,95,000 रुपये से शुरू होकर 10,00,000 रुपये तक मिल जाती है। इस लिस्ट में सेकेंड पोजिशन पर आई है फोक्स वैगन की टिगुआन। फरवरी के महीने में ये पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 27 यूनिट्स ही बिकी है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 28,14,000 रुपये से शुरू होकर 31,53,500 रुपये तक मिल जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 1 के पायदान पर आने वाली लीस्ट सेलिंग कार के बारे में, जो कि है होंडा की प्रीमियम SUV CRV। फरवरी के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 25 यूनिट्स ही बिक पाई है। वैसे भी जिस सेगमेंट में और जिस प्राइस पॉइंट पर यह गाड़ी आती है, ऐसी गाड़ियों का सेल्स फिगर उतना ज़्यादा भी नहीं होता, लेकिन इतना वर्स्ट भी नहीं होता। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 28,37,359 रुपये से शुरू होकर 32,87,359 रुपये तक मिल जाती है। अब आप जान ही चुके होंगे कि कुल मिलाकर ये थी वो गाड़ियाँ जो फरवरी के महीने में
टॉप 10 लीस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में शामिल हुई हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।